इसे बंद कर दिया। फिर लास्ट में तुम देखोगे एक सीन आता है, वो पूरा आदमी ऐसे फ्लैट हो गया, मतलब पूरा गया, समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो पूरा प्रोसेस किया, एक बार डाला, दो बार डाला, तीन बार डाला और उसके बाद तकिया डाला, ये सारा प्रोसेस है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है, और वाइंडिंग अप होने के बाद कंपनी मरता है, वो मरने को बोलते हैं डिजोल्यूशन ऑफ ए कंपनी। प्लीज बी श्योर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी एंड डिजोल्यूशन ऑफ ए कंपनी। वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। वाइंडिंग अप कंपनी वाइंड अप होने में 1 साल 2 साल भी लग सकता है। सो वाइंड अप होने के बाद क्या होता है, कंपनी डिजोल्व हो जाता है। सो वाइंडिंग अप और डिजोल्यूशन में अंतर है। वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस बाय व्हिच लाइफ ऑफ द कंपनी कम्स टू एन एंड। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कंपनी का लाइफ खत्म होता है और लाइफ कम्स टू एन एंड होता है। तो वाइंडिंग अप में क्या होता है, कंपनी का जितना प्रॉपर्टी है, जितना असेट्स है, उसको बेचा जाता है। जो पैसा आता है वो पैसे को रीपेमेंट किया जाता है। देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ रीपेमेंट्स। फर्स्ट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिया जाए, फर्स्ट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जाता है, फिर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिया जाता है, फिर जाकर सिक्योर क्रेडिटर्स है, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स है, फिर जाकर आपका प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स है। इस तरह से पेमेंट होता है। क्लियर? सो ये सब काम करने के लिए एक आदमी अपॉइंट होता है, उस आदमी का नाम है लिक्विडेटर। सो हु इज ए लिक्विडेटर? लिक्विडेटर इज ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू टेक टू डू दी वाइंडिंग ऑफ प्रोसेस। एक बार लिक्विडेटर कंपनी में अपॉइंट हो गया, कंपनी का माई बाप वो बन जाता है। माई बाप का मतलब क्या है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सारा पावर खत्म हो जाएगा। अभी कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया तो सारा का सारा काम कौन करेगा, लिक्विडेटर्स करेगा। सब कंपनी में जो कुछ चलेगा लिक्विडेटर के हिसाब से चलेगा। हमें क्लियर? सो लिक्विडेटर टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ही कलेक्ट्स इट्स असेट, पेज इट्स डेट एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूट एनी सरप्लस अमंग द मेंबर्स। सो दिस इज ए प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। सो व्हाट इज वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच लाइफ ऑफ द कंपनी कम्स टू एन एंड। ये एक प्रोसेस है जिससे कंपनी का लाइफ खत्म होता है। सो एक प्रोसेस है वाइंडिंग अप, एक प्रोसेस है लिक्विडेशन। ये प्रोसेस टाइम लेता है, 1 साल 2 साल भी लग सकता है। समझ में आ रहा है? वाइंडिंग अप में, वाइंडिंग अप होने के बाद कंपनी डिजोल्व हो जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिजोल्यूशन ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट, व्हाट इज डिजोल्यूशन ऑफ कंपनी? डिजोल्यूशन मींस एंड ऑफ द कंपनी। ए कंपनी इज सेड टू बी डिजोल्व व्हेन इट सीजेस टू एग्जिस्ट एट ए कॉर्पोरेट एंटिटी। मैं बताया था ये कंपनी एक लीगल एंटिटी है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज ऑपरेटेड बाय लॉ, इट्स कम्स टू एन एंड बाय लॉ। हमें क्लियर? सो द प्रोसेस ऑफ एंडिंग द कंपनी इज नोन एज वाइंडिंग अप। एक बार वाइंड अप खत्म हो गया तो कंपनी डिजोल्व हो जाता है, कंपनी और रहता नहीं, कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। डिजोल्यूशन होने का मतलब क्या है, कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी का एक रजिस्टर होता है, आरओसी के पास एक रजिस्टर होता है, उसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज। वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में कितना कंपनी रजिस्टर्ड हुए हैं वहां पर लिखा होगा, 1 2 3 4 करके। इंडिया इज ए कंट्री हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। तो एक बार कंपनी डिजोल्व हो गया वो रजिस्टर से क्या होता है, कंपनी का नाम काट दिया जाता है और आरओसी एक ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन देता है दैट इस डेट से ये कंपनी सीज टू एग्जिस्ट और इट इज डिजोल्व। सो डिजोल्यूशन पुट एन एंड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। The process of dissolution is known as winding up. Am I clear? Next slide. So dissolution दो तरह के हो सकता है. Dissolution can be made. Dissolution means non-existence of a company. A company non-existence में कब आएगा? दो वे में आ सकता है. पहला वे है through transfer of company's undertaking to another. थ्रू ए स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन। इसका मतलब जब कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है या अमालगमेशन होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है, दो कंपनी मिलकर एक कंपनी होते हैं, मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, ये केस में भी एक कंपनी डिजोल्व हो जाता है। और इस लेकिन यहां पर वाइंडिंग अप की जरूरत
नहीं पड़ता है। तो एक वे है रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन में कंपनी डिजोल्व हो सकता है। और दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है कंपनी डिजोल्व होने का, दूसरा वे है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो देर आर टू वेज इन व्हिच कंपनी कैन बी डिजोल्व। फर्स्ट वन इज रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन, सेकेंड वे क्या है वाइंडिंग अप। ये दो प्रोसेस में कंपनी डिजोल्व हो सकता है। अगर वाइंडिंग अप होगा कंपनी डिजोल्व हो जाएगा, या नहीं तो रिकंस्ट्रक्शन या अमालगमेशन होगा कंपनी डिजोल्व हो सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिजोल्यूशन। सो डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिजोल्यूशन, वाइंडिंग अप क्या है, वाइंडिंग अप एक मेथड है जिससे कंपनी डिजोल्व होता है। लेकिन डिजोल्यूशन क्या है, इट्स द एंड रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप होने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं डिजोल्यूशन। अच्छा, वाइंडिंग अप होने से कंपनी का लीगल एंटिटी क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है। जब तक प्रोसेस एंड नहीं हुआ है तब तक कंपनी जिंदा है, कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस जिंदा है। एक बार डिजोल्व हो गया और कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो क्या है, वाइंडिंग अप के टाइम में कंपनी का लीगल एंटिटी रहता है, लेकिन वाइंडिंग अप खत्म होने के बाद जैसे कंपनी डिजोल्व हो जाता है उसका लीगल एंटिटी ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। अच्छा, वाइंडिंग अप में बताया था एक प्रोसेस है, इसमें 1 साल 2 साल लग सकता है। ये 2 साल क्या कंपनी बिजनेस नहीं करेगा? ना, बिजनेस कर सकता है, कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सकता है उसमें। तो कंपनी कैन कंटिन्यू इट्स बिजनेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन एक बार वाइंडिंग अप कंप्लीट हो गया, कंपनी डिजोल्व हो गया, तो कंपनी तो रहेगा नहीं और बिजनेस क्या होगा? तो डिजोल्यूशन के बाद बिजनेस होने का चांस ही नहीं। तो आई एम क्लियर रिगार्डिंग द पॉइंट्स बिटवीन डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिजोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, सो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स इन व्हिच ए कंपनी कैन बी वाइंड अप, क्या क्या मेथड्स है? फर्स्ट, देयर आर टू मेथड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। फर्स्ट वन इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, सेकंड वन इज वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। दो वे है, एक है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, एक है वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप सेक्शन 272 में है और वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप सेक्शन 304 में है। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। अभी देखिए कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या है, अगर वाइंडिंग अप एनसीएलटी के ऑर्डर से होता है तो उसको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। अगर वाइंडिंग अप बिना एनसीएलटी का ऑर्डर से होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। तो कंपल्सरी और वॉल्यूंटरी में अंतर पहले समझ लीजिए। अगर एनसीएलटी के ऑर्डर के हिसाब से कंपनी का वाइंडिंग अप होता है उसको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। इसका मतलब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के हिसाब से अगर वाइंडिंग अप होता है उसको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर देगा? ट्रिब्यूनल तब ऑर्डर देगा जब उसके पास कोई पेटिशन पड़ेगा इस कंपनी को वाइंडिंग अप करिए, इसको कंपनी को वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर दीजिए। और वो पेटिशन के ऊपर ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल उसके ऊपर एनालिसिस करेगा, अगर ठीक होगा तो जाकर वो ऑर्डर दे सकता है फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बिना पेटिशन का कंपनी कंपल्सरी वाइंडिंग अप में नहीं जाता है। अभी हम बात करेंगे तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो ट्रिब्यूनल के पास क्या देंगे, वाइंडिंग अप करने के लिए पिटिशन देंगे। सो सेक्शन 272 बोलते हैं चार पार्टी हैं जो कंपनी को वाइंडिंग अप करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास बोलते हैं। कौन कौन सा वो पार्टी है? पहला पार्टी है कंपनी इटसेल्फ कैन गो टू ट्रिब्यूनल एंड टेल दैट गिव मी एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। नेक्स्ट क्रेडिटर्स कैन गो, नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज कैन गो, नेक्स्ट रजिस्टर कैन गो। वी विल डिस्कस दीज 4 पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट, व्हेन कंपनी कैन इटसेल्फ गो टू द एनसीएलटी एंड आस्क फॉर ए ऑर्डर ऑफ फाइंडिंग अप, क्या क्या है? फर्स्ट है कंपनी इटसेल्फ जाएगा, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है वो नहीं जा सकता है, उसके फॉर पर जाएंगे, उसके फॉर पर कौन जा सकता है, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाएंगे। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के फॉर में एनसीएलटी जाएंगे, कब जाएंगे, जब एक कंपनी का मेंबर्स लोग एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे। क्या पास करेंगे? ये कंपनी को हमको वाइंडिंग ऑफ करना है। ये रिजोल्यूशन जब पास हो गया, वो रिजोल्यूशन का कॉपी लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन अप्रोच द एनसीएलटी फॉर गिविंग एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग ऑफ। हमें क्लियर समझ में आ रहा है क्या? तो नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट, सो दिस इज द पिटिशन बाय कंपनी. नेक्स्ट, पिटिशन बाय क्रेडिटर्स. बेटा क्रेडिटर्स कब वाइंडिंग अप के लिए एनसीएलटी के पास जाएंगे? क्रेडिटर्स तब जाएंगे जब उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनका पैसा ड्यू है और पैसा कंपनी नहीं दे रहा है, तो जबरदस्ती कोर्ट के पास जाएंगे, कोर्ट मतलब एनसीएलटी के पास जाएंगे. तो ए क्रेडिटर मे बी ए पिटिशनर फॉर फाइलिंग ए फॉर फाइलिंग ए एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप. कब होगा? अगर कंपनी क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पा रहा है. कितना पैसा मैक्सिमम, कितना कौन सा क्रेडिटर जा सकता है? जिसको मैक्सिमम कंपनी से 1 लाख पाना है, 1 लाख या उससे ज्यादा पाना है, और उसको पैसा नहीं मिला है, और वो पैसे के लिए कंपनी के पास एक नोटिस ऑफ डिमांड दिया है. नोटिस ऑफ डिमांड मतलब मेरा पैसा दो भाई, 1 लाख रुपया है मेरा, मेरा पैसा क्रेडिटर्स मांग रहा है मेरे को दो. कंपनी को नोटिस दिया है मेरा पैसा दो, और नोटिस देने का 3 वीक चला गया है. कितना वीक चला गया? 3 वीक. तो पहला क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर को पैसा नहीं मिला होगा. कितने का क्रेडिटर होगा? 1 लाख या उससे ज्यादा. फिर क्या होगा? फिर वो नोटिस दिया होगा, और नोटिस देने का 3 वीक चला गया. फिर 3 वीक के बाद वो ये सारा कागज लेकर जाएगा डायरेक्ट एनसीएलटी के पास, भैया मेरा पैसा वापस नहीं मिल रहा है, आप इस कंपनी को वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर दीजिए. तो इसके ऊपर इंक्वायरी होगा, अगर एनसीएलटी राजी होगा उसके कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगा. नेक्स्ट, अगर कभी क्रेडिट एक क्रेडिटर एनसीएलटी में डायरेक्टली ऐसे उसको पैसा नहीं मिल रहा था, गया था और एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर दिया था इसका पेमेंट करो, हमें क्लियर, लेकिन वो एनसीएलटी ऑर्डर देने के बाद भी कंपनी उसको पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो जाकर उस टाइम में कंपनी क्या करेगा, क्रेडिटर क्या करेगा? तो एनसीएलटी का प्रीवियस ऑर्डर लेगा, आप ऑर्डर दिए थे मेरा पैसा वापस कंपनी देगा, लेकिन कंपनी अभी नहीं दे रहा है, तो वो नहीं देने का डॉक्यूमेंट्स लेगा, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को लगाकर फिर एनसीएलटी के पास जाएगा, आपके ऑर्डर को ये कंपनी मान नहीं रहा है, इसको ऑर्डर दीजिए तुरंत, क्या करने का? वाइंड अप करने का. तो क्रेडिटर्स कैन गिव ए पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ओके, नेक्स्ट, कंपनी एक्ट बोलता है इसमें देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर, कोई भी क्रेडिटर जा सकता है. नेक्स्ट, उसमें बोल रहा है कॉन्टिजेंट और प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले प्रायर कंसेंट चाहिए ट्रिब्यूनल से. नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज रिगार्डिंग पिटिशन बाय क्रेडिटर्स. नेक्स्ट वन इज पिटिशन बाय कंट्रीब्यूटरीज. कंट्रीब्यूटरीज क्या है? कंपनी जब वाइंड अप होता है, जिस जिसको पैसा देना होता है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरीज. अगर एक कंट्रीब्यूटरी भी जा सकता है किसके पास? किसके पास? एनसीएलटी के पास. क्या करने के लिए? एक ऑर्डर इश्यू करने के लिए. कौन सा ऑर्डर? वाइंडिंग अप ऑफ एक ऑर्डर. क्या उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन, ही शुड बी होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स. उसके पास, कंपनी के पास कोई एसेट नहीं होना चाहिए फॉर डिस्ट्रीब्यूटर टू शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट, ये दोनों इंपोर्टेंट कंडीशन. और थर्ड में, वो शेयर को होल्ड किया होगा मिनिमम 6 मंथ. ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो जाकर एक कोई भी कंट्रीब्यूटर जा सकता है. किसके पास? एनसीएलटी के पास. किसके लिए? मेरा एनसीएलटी के पास जा सकता है. किसके? वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, नेक्स्ट वन इज पिटिशन बाय आरओसी. आरओसी या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भी जा सकता है एनसीएलटी के पास किसी भी कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर लाने के लिए. तो कब जाएगा आरओसी? कब जाएगा आरओसी? तब जाएगा जब उसको प्रीवियस सैंक्शन मिलेगा. किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले प्रीवियस सैंक्शन लेगा, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो जाकर कंपनी जा सकता है. कब, कौन कौन कैसे आरओसी जा सकता है? पहला केस, जब कंपनी उसका पेमेंट ऑफ डेट को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, और अकाउंट्स ऑफ द कंपनी को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है, और वो इंस्पेक्टर रिपोर्ट दिया है ये कंपनी इसका डेट पेमेंट नहीं कर सकता है, तब जाकर आरओसी के जा सकता है. किसके पास? आरओसी जा सकता है एनसीएलटी के पास वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. और क्या क्या कंडीशन से कब आरओसी जा सकता है? हाँ, अगर
कोई कंपनी डिफॉल्ट करता है, क्या डिफॉल्ट करता है, आरओसी के पास फाइल करने में, क्या फाइल करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में या एनुअल रिपोर्ट्स फाइल फाइल करना है, एनुअल रिटर्न्स। तो आरओसी को कंपनी को एनुअल रिटर्न्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास। लेकिन अगर कोई कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स और एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं कर रहा है, कब कर, कितने दिन तक नहीं कर रहा है, 1 साल नहीं करने से नहीं होगा, 1 साल वेट करेगा, 2 साल वेट करेगा, 3 साल वेट करेगा, 4 साल वेट करेगा, 5 साल तक कंपनी अगर उसका क्वैक फाइल नहीं कर रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिपोर्ट्स फाइल नहीं कर रहा है, तो जाकर आरओसी क्या कर सकता है, एनसीएलटी क्या, आरओसी क्या कर सकता है, एनसीएलटी के पास जाएगा, इस कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर हमको दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट उसी में अगर कोई कंपनी एक्ट, प्रीवियस स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस स्लाइड, अगर कोई कंपनी एक्टेड अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कोई कंपनी अगर इंडिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मतलब किसी दूसरा फॉरेन एलियन एनमी का काम यहां पर कर रहा है, देश विरोधी गतिविधि में अगर कोई कंपनी इन्वॉल्व है, तो उसमें आरओसी के पास राइट है, वो जाएगा एनसीएलटी के पास, ये कंपनी देश विरोधी गतिविधि में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, इसको वाइंड अप करने का ऑर्डर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, और कुछ कुछ केस है जहां पर आरओसी जा सकता है, किसके के लिए, एनसीएलटी के पास ऑर्डर लाने के लिए, क्या कंपलसरी वाइंडिंग अप का। पहला है, इफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, अगर फ्रॉड हो रहा है उस कंपनी में तो जा सकता है, और कंपनी वाज फॉर्म फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पज, जो पर्पज अनलॉफुल पर्पज या फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए अगर कोई कंपनी ही बना हुआ है, वो कंपनी को बंद करने का ऑर्डर आरओसी मांगेगा एनसीएलटी से, या नहीं तो पर्सन कंसर्न्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड मिसफीसेंस और मिसकंडक्ट, इसका मतलब कंपनी का जो डायरेक्टर्स है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, वो सब गिल्टी ऑफ फ्रॉड कर रहे हैं, मिसफीसेंस कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, उस केस में आरओसी उस कंपनी को बंद करने का ऑर्डर लाने के लिए एनसीएलटी के पास पिटीशन लगा सकता है, एनसीएलटी इंक्वायरी करेगा, अगर सब कुछ ठीक लगा तो एनसीएलटी वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है। जब एनसीएलटी का ऑर्डर से कंपनी का वाइंड अप होता है, उसको बोलते हैं कंपल्सरी वाइंड अप। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वन इज वॉल्यूमटरी वाइंड अप। व्हाट इज वॉल्यूमटरी वाइंडिंग अप, वॉल्यूमटरी मतलब कंपल्सरी वाइंडिंग अप में एनसीएलटी के ऑर्डर से अगर कंपनी बंद होता है, उसको बोलते हैं कंपल्सरी। तो वॉल्यूमटरी वाइंडिंग अप ऐसा है जहां पर वाइंडिंग अप होता है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ एनसीएलटी और ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल या कोर्ट के इंटरफियरेंस से के बिना अगर कोई वाइंड अप होता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूमटरी वाइंड अप। ये वॉल्यूमटरी वाइंड अप दो तरह का होता है, एक होता है मेंबर्स वॉल्यूमटरी वाइंड अप, एक होता है क्रेडिटर्स वॉल्यूमटरी वाइंड अप। तो अभी फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेंबर्स वॉल्यूमटरी, नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज क्रेडिटर्स वॉल्यूमटरी। बेटा पहले डिस्टिंक्शन समझ लो, मेंबर्स वॉल्यूमटरी वाइंड अप कब होता है, अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो जाकर मेंबर्स वॉल्यूमटरी वाइंड अप होगा, अगर कंपनी सॉल्वेंट नहीं है तो जाकर क्रेडिटर्स वॉल्यूमटरी वाइंड अप होगा। बेटा सॉल्वेंट का माने मतलब क्या है, सॉल्वेंट का मतलब है अगर कंपनी क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए उसके पास सफिशियंट पैसा है तो जाकर कौन सा होगा, मेंबर्स वॉल्यूमटरी वाइंड अप होगा। अगर उसके पास सफिशियंट पैसा नहीं है तो उसके उसका कौन सा होगा, क्रेडिटर्स वॉल्यूमटरी वाइंड अप होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, तो सॉल्वेंट कंपनी में मेंबर्स वॉल्यूमटरी वाइंड अप होता है, जो कंपनी सॉल्वेंट नहीं है, जो क्रेडिटर को पूरा पैसा नहीं दे सकता है, उस कंपनी में कौन सा वाइंडिंग अप होता है, उस कंपनी में होता है क्रेडिटर्स वॉल्यूमटरी वाइंडिंग अप। तो पहले हम पढ़ेंगे मेंबर्स वॉल्यूमटरी वाइंडिंग अप, एक एक करके जाएंगे। तो वॉल्यूमटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी व्हिच इज सॉल्वेंट इज नोन एज मेंबर्स वॉल्यूमटरी वाइंडिंग अप। तो मेंबर्स वॉल्यूमटरी वाइंडिंग अप में आप सॉल्वेंट है, आप मतलब कंपनी सॉल्वेंट है, इस तरह से एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी रजिस्ट्रर को देना पड़ता है, कंपनी का रजिस्ट्रर को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ता है।
हमें क्लियर? तो रजिस्टर को देना पड़ता, डायरेक्टर क्या मेजोरिटी होगा नेक्स्ट स्लाइड में। मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन देते हैं, हाँ हमारा कंपनी सॉल्वेंट है। वो डिक्लेरेशन देने के बाद जाकर मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम पढ़ेंगे मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ का क्या क्या प्रोसीज्योर है, डिटेल प्रोसीज्योर पढ़ेंगे मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ का। अच्छा, पहला मैं बताया था फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ के लिए पहले एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। वो डिक्लेरेशन को बोला जाता है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ये डिक्लेरेशन कौन देता है, मैं बताया था मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। अभी मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर क्या है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर बोलता है अगर आपके कंपनी में 8 डायरेक्टर है तो मेजोरिटी कैसे होगा, बाई 2 का +1 हो जाएगा, 5 हो जाएंगे तो मेजोरिटी हो जाएगा। अगर 6 डायरेक्टर है तो कितना हो जाएगा, बाई 2 मतलब 6 बाई 2 4 हो गया तो मेजोरिटी हो गया। अगर 4 डायरेक्टर है, बाई 2 2 हो गया, 2 +1 हो गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर आपके कंपनी में 3 ही डायरेक्टर्स है, अगर 3 डायरेक्टर्स है मेजोरिटी कितना होगा, 3 बाई 2 1.5 तो नहीं होता है। यहां पर लिखा होता है मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट बी लेस देन 2, इसका मतलब मैक्सिमम के मिनिमम कितना डायरेक्टर देंगे, 2, लेकिन मेजोरिटी होना चाहिए। मेजोरिटी मतलब जितना डायरेक्टर्स है उसके आधे से ज्यादा लोग अगर साइन करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे ये कंपनी सॉल्वेंट है तो मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ होगा। नेक्स्ट, पहले एक बार हम डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दे दिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। लिक्विडेटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, जनरल मीटिंग होता है कंपनी का, मीटिंग में शेयर होल्डर्स लोग लिक्विडेटर को चुनते हैं। किसको लिक्विडेटर चुनेंगे, एक इंटरनल लिस्ट ऑफ लिक्विडेटर्स है गवर्नमेंट बनाकर रखा है, उनका काम है कंपनी को लिक्विडेट करना। जैसे नोटरी है उसी तरह से लिक्विडेटर्स भी है, वो लिक्विडेटर्स का काम क्या है, कंपनी को लिक्विडेट करना। वो लिक्विडेटर्स में से किसी एक लिक्विडेटर को चुनेंगे, कहां पर चुनेंगे, कंपनी के मीटिंग में, जनरल मीटिंग में चुनेंगे, और एक बार चुन लिया फिर उसका रेमुनरेशन फिक्स करेंगे। ठीक है, तो 2 हो गया फर्स्ट स्टेप में, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दिया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, लिक्विड लिक्विडेटर को अपॉइंट किया और उसका रेमुनरेशन फिक्स कर दिया। थर्ड, एक बार लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, मैं बताया था वो कंपनी का क्या बनता है, माई बाप बनता है। इसका मतलब जब भी लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया कंपनी में जितना मैनेजरियल पर्सनल है उनका पावर सब खत्म हो जाता है, सब पावर किसके पास चला जाता है, लिक्विडेटर्स के पास। हमें क्लियर, एक बार लिक्विडेटर्स के पास सब पावर चला गया। तो और एक चीज है, एक बार लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया ऐसा करके एक इंफॉर्मेशन हमको प्रीवियस लाइन हमको हमको रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। समझ में आ रहा क्या, रजिस्ट्रार को उसका अपॉइंटमेंट हुआ है हमारे कंपनी में लिक्विडेटर करके, उसका अपॉइंटमेंट का 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी के पास बताना पड़ता है, हाँ हमारे कंपनी में हम लिक्विडेटर चुन लिए और वो आकर पावर ले लिया है। नेक्स्ट, हम एक रिजोल्यूशन करते हैं लिक्विडेटर को, हमारा कंपनी का जितना शेयर्स को अब कौन बेचेगा, सब लिक्विडेटर बेचेगा, तो उसके पास सारा राइट्स होगा अभी कंपनी के बिहाफ पर, सब कुछ शेयर बेचे, शेयर खरीदे, शेयर लाए, एसेट बेचे, एसेट बेचकर शेयर लाए, मतलब सारा पावर किसके हाथ में चला जाएगा, लिक्विडेटर के हाथ में चला जाएगा बोल के एक रिजोल्यूशन बनाना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। और वो रिजोल्यूशन भी किसमें पास होगा, कंपनी के मीटिंग में पास होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी लिक्विडेटर्स के हाथ में पूरा पूरा पैसा आ गया, पूरा पावर आ गया। अभी लिक्विडेटर क्या करेगा, देखेगा सारा एसेट्स को बेचेगा, धीरे धीरे एसेट्स को बेचेगा, लेकिन बेचने के टाइम में पता चला लिक्विडेटर को, भाई ये जो पैसा आ रहा है वो क्रेडिटर को देने के लिए सफिशियंट नहीं है, मतलब कंपनी सॉल्वेंट नहीं है। ये डायरेक्टर लोग एक रॉन्ग एस्टिमेट किए थे क्या, ये कंपनी सॉल्वेंट है और इसीलिए डिक्लेरेशन दे दिए। अगर लिक्विडेटर को ये पता चले गया तो
तुरंत वो क्या बोलेगा, क्रेडिटर्स का मीटिंग बुलाएगा, और क्रेडिटर्स को मीटिंग को बोल को बुलाएगा और बोल को देखेगा, भैया ये सब एसेट है, इसको बेचने से इतना पैसा आएगा, तुम्हारा पैसा पूरा नहीं हो रहा है। तो ये जो कंपनी का लिक्विडेशन ये रॉन्गली दे दिए थे मेंबर्स वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन करके, इसको अभी हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, क्रेडिटर वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन। अगर पैसा है तो क्रेडिटर्स का मीटिंग बुलाने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट में नेक्स्ट क्या करेगा, कंपनी का लिक्विडेटर सारा का सारा एसेट बेचेगा, और वो एसेट को बेचकर पैसा क्या करेगा, लाएगा और पैसे को डिफरेंट क्रेडिटर्स को सीरियल वाइज देता है। हमें समझ में आ रहा है क्या, एक एक एसेट बेचा जाएगा, पैसा आएगा, फिर पेमेंट होगा, फिर पैसा आएगा, फिर पेमेंट होगा, ये काम 1 साल 2 साल 3 साल भी लग सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या करेगा लिक्विडेटर, हर 3 महीने में कौन कौन सा एसेट आया, कौन कौन सा एसेट को बेचा, कितना पैसा आया, किस किस को पेमेंट दिया, ऐसा एक स्टेटमेंट बनाकर शेयर होल्डर्स को देता रहेगा। और लिक्विडेटर का एक ड्यूटी है, हर 1 साल में एक बार वो किसको बुलाएगा, शेयर होल्डर्स को बुलाएगा और बोलेगा ये कंपनी को लिक्विडेट हो रहा है, हमको 2-3 साल लगेगा, ये 1 साल में मैं इतना शेयर बेच दिया हूँ, इतना असेट बेच दिया हूँ और इतना पैसा आया है, इन इन लोगों को पेमेंट दे रहा हूं। इस तरह से वो काम करता जाएगा, करता गया करता गया करता गया। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। एक ऐसा दिन आएगा जहां पर पूरा का पूरा एसेट वो बेच दिया होगा और जितना पेमेंट हो सके वो पूरा कर दिया होगा, तो वो लास्ट में एक फाइनल मीटिंग ऑफ डिसोल्यूशन बुलाएगा। कौन बुलाएगा, लिक्विडेटर बुलाएंगे, और लिक्विडेटर बुलाकर सारे वहां पर क्या हो जाएंगे, वहां पर सारा शेयर होल्डर्स आएगा। वो शेयर होल्डर आने के बाद लिक्विडेटर बनाएगा एक अकाउंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ, मतलब कितना आया, किस किस को गया और कितना दिया गया। इस तरह से एक अकाउंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ बनाएगा और वो अकाउंट को शेयर होल्डर लोगों के पास में प्रेजेंट करेगा और शेयर होल्डर उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव होने के बाद सब पैसा जिसको जितना मिलना था मिल गया, अब कंपनी एंड हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर मेंबर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग ऑफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे द प्रोसीजर फॉर क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग। मैं पहले बता दिया हूं व्हाट इज क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप, मेंबर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप कब होगा। मेंबर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप तब होगा जब कंपनी सॉल्वेंट होगा। क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप कब होगा, जब कंपनी सॉल्वेंट नहीं। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का मतलब मैं बता दिया था, कंपनी के पास उतना एसेट नहीं है जिसको बेचकर लायबिलिटी को पूरा पेमेंट कर दिया जाए, उस टाइम में क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप। समझ में आ गया। तो ये क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप में ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देते थे वो देने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी सॉल्वेंट ये नहीं। तो यहां पर सारा का सारा जो काम शेयर होल्डर का जो दबदबा था वो दबदबा हट जाएगा। अभी दबदबा किसका आएगा, क्रेडिटर्स का। तो क्रेडिटर्स लोग क्या करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, शेयर होल्डर करेंगे, क्रेडिटर्स करेंगे। तो यहाँ पर दो दो पार्टी का मीटिंग होकर सारा डिसीजन लिया जाएगा। कौन कौन सा पार्टी, एक हैंड में क्रेडिटर, एक हैंड में शेयर होल्डर्स। तो दो मीटिंग्स होगा, किस तरह का इसका प्रोसीजर होगा। तो क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप में इंपोर्टेंस किसको दिया जाता है, क्रेडिटर्स को दिया जाता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर या स्टेप्स। नेक्स्ट स्लाइड। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मीटिंग होगा। किसका मीटिंग होगा, दो मीटिंग होगा यहाँ पर, एक शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा और एक क्रेडिटर्स का मीटिंग होगा। दोनों मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा। कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा, कंपनी को बंद करना चाहिए। तो दो रिजोल्यूशन पास होगा, ये दोनों रिजोल्यूशन एक क्रेडिटर्स मीटिंग में पास होगा, एक शेयर होल्डर्स मीटिंग में पास होगा। ये क्रेडिटर्स मीटिंग का रिजोल्यूशन, शेयर होल्डर मीटिंग का रिजोल्यूशन, दोनों को जाकर किसके पास सबमिट करना पड़ेगा, ROC के पास सबमिट करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास होने का 10 दिन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ये दो, इसका दो कॉपी, रिजोल्यूशन का कॉपी बाइंडिंग ऑफ करने का, दो मीटिंग का ROC के पास सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट क्या होगा, कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। लिक्विडेटर कहां पर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर कंपनी का जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स लोग अपॉइंट करते हैं। कहां से अपॉइंट करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लिक्विडेटर्स का पैनल लिस्ट है, वो पैनल लिस्ट है एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे और उसको कितना रेमुनरेशन दिया जाएगा उसको अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर्स के मीटिंग में। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। फिर लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन फिक्स होता है, मैं बता दिया। एक बार लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट हो गया, वही चीज है, कंपनी का बोर्ड का सारा पावर चला जाएगा किसके पास, सब पावर लिक्विडेटर के पास चला जाएगा। मैं बताया था कंपनी का माई बाप कौन बन जाता है, लिक्विडेटर बन जाता है जब लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एक बार लिक्विडेटर आ गया, फिर लिक्विडेटर क्या करेगा, लिक्विडेटर सारा एसेट्स को बेचेगा और ये क्या करेगा, जो 3 महीने में तो सब बताता जाएगा क्या क्या एसेट बेच रहा है। नहीं, ये लिक्विडेशन का प्रोसीजर 2-3 साल लगेगा। हर एक साल के अंदर, हर एक साल के एंड में लिक्विडेटर यहाँ पर दो दो मीटिंग बुलाएगा। क्यों दो दो मीटिंग, ये क्रेडिटर्स वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप है। एक मीटिंग बुलाएगा किसका, क्रेडिटर्स का, और एक मीटिंग बुलाएगा किसका, और एक मीटिंग बुलाएगा क्रेडिटर्स का, एक मीटिंग बुलाएगा और एक मीटिंग बुलाएगा शेयर होल्डर्स का। ये दोनों के अगेंस्ट में वो बोलेगा मैं कौन कौन सा एसेट बेचा हूं और उसको किस तरह से किस किस का पेमेंट मैं कर दिया हूं। हर साल के एंड में किसका, लिक्विडेटर्स को, दोनों को बोलना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को बोलना पड़ेगा और शेयर होल्डर्स को बोलना पड़ेगा उसके मीटिंग में। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। और एक दिन ऐसा आएगा लिक्विडेटर सारा का सारा एसेट बेच दिया होगा और जो जो लाइबिलिटी है उसका पेमेंट कर लिया होगा जितना हो सके, और वो अपना एक फाइनल मीटिंग बुलाएगा। फाइनल मीटिंग किसका बुलाएगा, दोनों का बुलाएगा, और वहां पर बोलेगा ये सब हो गया, कंपनी अभी लिक्विडेट होने वाला है, कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसीजर ओवर हो गया, इतना पैसा आया और इतना पैसे को मैं इस हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से पेमेंट किया हूँ, शेयर होल्डर लोग लास्ट में इसको अप्रूव कर देंगे, और एक बार अप्रूवल हो गया शेयर होल्डर्स का, कंपनी का ये लिक्विडेशन प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंपनी डिजॉल्व हो जाएगा, एंड हो जाएगा। With this, we complete the winding of the company. Next, हम बात करेंगे मिट्टी। हाँ, अभी हम बात करेंगे मीटिंग, कॉर्पोरेट मीटिंग क्या है। हम बोल रहे थे कंपनी में, कंपनी जे टाइप ऑफ बिजनेस व्हिच इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी का शेयर पब्लिक कंपनी के, देयर इज नो लिमिट ऑन शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स बहुत सारा हो सकते हैं, तो 10 लाख हो सकते हैं, 50 लाख हो सकते हैं। रिलायंस एक ऐसा कंपनी है इंडिया में जिसका शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, मतलब उसके शेयर होल्डर्स बहुत है, 10 मिलियन शेयर होल्डर्स। हमें क्लियर? तो कॉर्पोरेट मीटिंग, इतना लोग कंपनी को क्या करेंगे, कंपनी को चलाएंगे, तो इतना लोग तो चला नहीं सकते हैं, तो ये लोग कुछ लोगों को चुनते हैं जो कंपनी चलाते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स भी बहुत सारा हो सकते हैं, मिनिमम मैं बोल रहा था अभी मिनिमम डायरेक्टर्स है, मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 था, 15 से ऊपर भी तुम कर सकते हो अगर आर्टिकल परमिशन देता है। सो सपोज आपके कंपनी में 20 डायरेक्टर हैं, वो कंपनी चलाएंगे, तो कैसे चलाएंगे, उनके बीच में मीटिंग होगा, मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कौन सा डिसीजन ले सकते हैं, सिर्फ ऑपरेशनल डिसीजन ले सकते हैं। जो डिसीजन का स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन है उसके लिए मालिक को बुलाना पड़ेगा। मालिक कौन है, मालिक के शेयर होल्डर्स। तो ये 10 लाख लोग आएंगे मीटिंग में भाग लेने के लिए, एक जगह पर बैठेंगे और डिसीजन लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग। तो कंपनी में मीटिंग कॉमन है किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए। आइदर ऑपरेशनल डिस्टेंस होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में लेंगे, और स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस होगा उसको शेयर होल्डर्स लेंगे शेयर होल्डर्स मीटिंग में। तो कंपनी में मीटिंग इज ए वाइटल पार्ट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी में जनरली 3 तरह का मीटिंग होता है। पहला मीटिंग को बोलते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग, शेयर होल्डर्स मालिक लोगों का मीटिंग, जिसको भी हम बोलते हैं जनरल मीटिंग।
पहला मीटिंग है जनरल मीटिंग। व्हाट इज जनरल मीटिंग? इट्स अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। ये जनरल मीटिंग दो तरह का होता है, एजीएम और ईजीएम, हम बात करेंगे। तो पहला मीटिंग शेयर होल्डर्स का मीटिंग, जिसको बोलते हैं जनरल मीटिंग। दूसरा मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग या डायरेक्टर्स मीटिंग। और तीसरा मीटिंग है क्लास मीटिंग। अभी मैं बता रहा था क्रेडिटर्स लोग मिलकर मीटिंग करेंगे वाइंडिंग अप के लिए, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में, तो क्रेडिटर्स का मीटिंग इसको बोलते हैं क्लास मीटिंग, समझ। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का मीटिंग इसको बोलते हैं क्लास मीटिंग। तो एक पर्टिकुलर क्लास का मीटिंग को बोलते हैं क्लास मीटिंग। तो कंपनी में तीन तरह का मीटिंग होता है, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, क्लास मीटिंग। हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं जनरल मीटिंग। ये जनरल मीटिंग पढ़ने से पहले हमको बताना पड़ेगा, देयर आर सर्टन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स और वैलिड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मीटिंग। ये मीटिंग क्या कुछ वैलिड रिक्वायरमेंट होना चाहिए। फर्स्ट, हर मीटिंग में एक ऑथोरिटी होना चाहिए, प्रॉपर ऑथोरिटी। वो ऑथोरिटी ही मीटिंग बुला सकता है, समझ में आ गया, और कोई बुला नहीं सकता है। अगर और कोई बुला दिया वो मीटिंग वैलिड नहीं होगा। तो एवरी मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय प्रॉपर ऑथोरिटी। जनरली कंपनी में मीटिंग बुलाने का ऑथोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। बीओडी इज द ऑथोरिटी टू कॉल मीटिंग्स, आइदर बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। लेकिन कुछ कुछ जगह पर देर आर सर्टन एक्सेप्शन वेयर अदर पार्टी कैन ऑल्सो कॉल जनरल मीटिंग, हम बात करेंगे उसको। जनरली ऑथोरिटी किसके पास होता है? बोर्ड के पास। नेक्स्ट, नोटिस। हर मीटिंग से पहले लोगों को नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस मतलब इस दिन में मीटिंग होगा, ये जगह पर मीटिंग होगा, आपको आना है। तो इसके लिए कुछ टाइम तो उनको देना पड़ेगा, नोटिस पीरियड होना चाहिए, समझ में आ गया। हर मीटिंग में कुछ नोटिस पीरियड होगा, कंपनी का नोटिस दिया जाएगा मीटिंग का, समझ में आ रहा है क्या। नोटिस में कब मीटिंग होगा, किस जगह पर मीटिंग होगा, कितने बजे शुरू होगा, को क्या मैटर डिस्कस होगा, इस सब के बारे में लिखा जाता है। प्लस नोटिस पीरियड होना चाहिए, कुछ टाइम होना चाहिए। जनरली जनरल मीटिंग में 21 क्लियर डेज का नोटिस दिया जाता है, नोटिस पीरियड होता है। नेक्स्ट स्लाइड, कोरम। अभी पढ़ेंगे कोरम क्या है। व्हाट इज कोरम? कोरम मतलब आप मीटिंग बुलाए, ये मीटिंग में कितने लोग आएंगे तो आपका मीटिंग वैलिड होगा, इसको बोलते हैं कोरम। मिनिमम कितने लोग आएंगे तो मीटिंग वैलिड मीटिंग होगा, उसको बोलते हैं कोरम। कोई भी मीटिंग वैलिड नहीं हो सकता है विदाउट प्रॉपर कोरम। अगर बिन कोरम नहीं है, आप मीटिंग किए, मीटिंग में कुछ रिजोल्यूशन पास किए, कुछ डिसीजन ले लिए, वो डिसीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों कोई मतलब नहीं रहेगा? क्योंकि कोरम ही नहीं है, वो मीटिंग ही वैलिड नहीं है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जनरली बोलता है कौन से मीटिंग में कितना कोरम होना चाहिए, लेकिन देयर इज ए लिमिट, मिनिमम नंबर ऑफ कोरम फॉर कंपनीज। फॉर पब्लिक कंपनी द कोरम इज 5, 15, 30। ये 5, 15, 30 क्या है? अगर आपके कंपनी में मेंबर्स 1000 है तो आपका कोरम होगा 5। अगर आपके कंपनी में, पब्लिक कंपनी में मेंबर्स 1000 से 5000 के बीच होंगे तो आपका कोरम होगा 15। अगर आपके कंपनी में मेंबर्स 5000 से ज्यादा होंगे तो कोरम होगा 30। तो 5, 15, 30 है किस में? पब्लिक कंपनी का कोरम मिनिमम। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना होगा? प्राइवेट कंपनी में कोरम का नंबर है 2। मिनिमम 2 आदमी आएंगे, 2 मेंबर्स आएंगे तो मीटिंग क्या होगा? वैलिड होगा। लेकिन आर्टिकल ये कोरम का नंबर को बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता है। आर्टिकल कैन इंक्रीज द कोरम नंबर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन। बेटा, कंपनी एक्ट में कहीं पर चेयरमैन डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन मीटिंग में चेयरमैन का वर्ड आता है। चेयरमैन क्या है? मीटिंग में बोला जाता है। जब मीटिंग होगा, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी आएंगे, मीटिंग में बैठेंगे, तो मीटिंग को कोई प्रिजाइड तो करेगा। जो प्रिजाइड करता है, जो उसके ऊपर एक चेयर लगता है, चेयर के ऊपर जो बैठता है वो चेयरमैन। क्लियर? तो चेयरमैन इज ए कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटेड टू मीटिंग।
एक मीटिंग में जो प्रिजाइड करता है उसको बोलते हैं चेयरमैन, जो चेयर के ऊपर बैठता है उसको बोलते हैं चेयरमैन। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कंपनी का बोर्ड मीटिंग में कोई चेयरमैन हो सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर्स मीटिंग में कोई चेयरमैन हो सकता है, मीटिंग को जो चेयर करता है वो उसको बोलते हैं चेयरमैन। आप लोग देखे होंगे अभी किसका, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन का सिलेक्शन हुआ। चेयरमैन का सिलेक्शन कौन, अभी इंडिया में हर्षवर्धन चेयरमैन हुए। चेयरमैन मतलब WHO का बोर्ड मीटिंग हो रहा था, वहां पर जो चेयर में बैठा हुआ है, जो मीटिंग को कंडक्ट कर रहा है, जिसके इंस्ट्रक्शन से सब मीटिंग चल रहा है, उसको बोलते हैं चेयरमैन। तो कोई भी मीटिंग होने से पहले उस मीटिंग का चेयरमैन डिसाइड होना चाहिए। चेयरमैन कैसे चुना जाता है, कंपनी में चेयरमैन चुनने का जो प्रोसीजर है सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल बोलेगा कौन चेयरमैन होगा, किस मीटिंग का कौन हो सकता है। जनरली जो शेयर होल्डर्स मीटिंग का चेयरमैन होता है वही बोर्ड मीटिंग का भी चेयरमैन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लास मीटिंग होगा चेयरमैन कोई अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गया, चेयरमैन एक आदमी नहीं है, चेयरमैन एक पोजीशन है, जो चेयर में बैठेगा कंपनी के मीटिंग में, जो प्रिजाइड करेगा वही चेयरमैन होगा। तो चेयरमैन इज ए टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू ए मीटिंग, हमें क्लियर, कंपनी एक्ट में और कहीं पर चेयरमैन आपको नहीं देखना पड़ेगा, चेयरमैन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, जो जो शेयर होल्डर्स का मीटिंग को हेड करता है वो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग। जो कंपनी का बोर्ड मीटिंग को चेयर करता है उसको बोलते हैं चेयरमैन ऑफ बोर्ड मीटिंग, हमें क्लियर। जो कंपनी का क्रेडिटर्स मीटिंग को चेयर करेगा उसको बोलेंगे चेयरमैन ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग, हमें क्लियर। तो चेयरमैन जो किसी भी मीटिंग में चेयरमैन इंपोर्टेंट है, चेयरमैन डिसाइड्स ऑल द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन द मीटिंग। एक मीटिंग होगा तो मीटिंग में कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, किस हिसाब से वो मीटिंग कंडक्ट होगा, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन। नेक्स्ट प्रॉक्सी, व्हाट इज प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या है, कभी कभी क्या होता है, जो मीटिंग में भाग लेना चाहते हैं, जो मेंबर आना चाहते हैं, वो मेंबर खुद नहीं आ सकते हैं, खुद नहीं आ सकते तो उनके बदले में किसी और को भेज सकते हैं। अगर उनके बदले में कोई आता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। जैसे हम लोग, मैं बताया था पिछले क्लास में, हम लोग अटेंडेंस के टाइम में प्रॉक्सी मार देते हैं। प्रॉक्सी मतलब वो लड़का आया नहीं, उसके रोल नंबर में हम अटेंडेंस दे दिए, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब एक के बदले एक। लेकिन एक्ट में प्रॉक्सी का दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है जो आया है किसी और को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज नोन एज प्रॉक्सी। लेकिन वो ही रिप्रेजेंट करने के लिए आया है, कोई दूसरा आदमी नहीं आया है, ऐसे कैसे पता चलेगा, वो कोई फॉर्म लेकर आया होगा, वो फॉर्म को हम जनरली टर्म में बोलते हैं प्रॉक्सी फॉर्म। लेकिन वो प्रॉक्सी फॉर्म ही भी प्रॉक्सी है एक्ट में। एक्ट में प्रॉक्सी का दो वर्ड है, एक वर्ड है जो आया है उसको भी प्रॉक्सी बोलते हैं, और जो कागज दिखाता है जिससे वो रिप्रेजेंट करेगा किसी दूसरे को, वो कागज को भी प्रॉक्सी बोलते हैं। तो प्रॉक्सी हैज टू मीनिंग्स, फर्स्ट पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज ए प्रॉक्सी, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सी इन लीगल टर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, वोटिंग। कंपनी में जो डिसीजन मीटिंग में लिया जाएगा वो वोट के हिसाब से लिया जाएगा, वोट होगा, कितने लोग राजी कितने लोग अराजी। ये वोट कैसे हो सकता है, वोट होने का दो उपाय है, एक को बोलते हैं शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड मतलब हाथ उठाओ, कितना हाथ उठाएगा, सपोज 100 आदमी है जो राजी है हाथ उठाओ, हाथ उठाए तो कितना, 60 लोग को हाथ उठा दिए, तो 60 इन फेवर 40 इन अगेंस्ट, इसको बोलते हैं शो ऑफ हैंड मेथड। और एक मेथड है पोल मेथड। पोल मतलब जैसे वोट होता है वोट होगा, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है, शो ऑफ हैंड और पोल। पोल इज ए साइंटिफिक मेथड, शो ऑफ हैंड इज नॉट ए साइंटिफिक मेथड, क्यों मैं बताऊंगा। तो पहले हम बोलेंगे वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड मतलब आप हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएगा मतलब एक आदमी तो एक ही हाथ उठाएगा ना, समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब यहां पर वन मैन वन वोट हो जाएगा, जितना लोग हैं उस इतना वोट होगा। इसका मतलब मेरे पास 5 लाख रुपए का शेयर है, मेरा वोट होगा एक, तुम्हारे पास 50 रुपए का शेयर है, तुम्हारा भी वोट होगा एक। अगर शो ऑफ हैंड में डिसीजन लिया जाता है तो यहां पर क्या होगा, वन मैन वन वोट, एक आदमी के पास एक ही वोट होगा,
हमें क्लियर। लेकिन ये शो ऑफ हैंड में जनरली हम प्रॉक्सी को अलाउ नहीं करते हैं ये हाथ उठाने के लिए, बात समझ में आ गया। लेकिन अगर आर्टिकल बोलेगा प्रॉक्सी कैन ऑल्सो शो वोट बाई शो ऑफ हैंड, देन ओनली प्रॉक्सी कैन शो हिज हैंड्स, अदरवाइज नॉट। अच्छा, चेयरमैन डिसाइड करता है ये शो ऑफ हैंड में कितने लोग राजी हैं, कितने लोग आजी और राजी हैं, तो गिनकर, और चेयरमैन का डिसीजन फाइनल होगा। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर डिसीजन इज फाइनल, उसी तरह से शो में जो कंपनी का मीटिंग में चेयरमैन डिसीजन इज फाइनल, वो डिसाइड करेगा हाँ ये डिसीजन में इतना शो ऑफ हैंड में इतना हुए हैं और इतना नहीं, इतना राजी इतना नाराजी। लेकिन ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। अगर कोई मेंबर्स को अगर यहाँ पर कंडीशन से उनको अच्छा नहीं लगता है, नहीं, ये शो ऑफ हैंड से, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग डिसीजन है, ये शो ऑफ हैंड से नहीं होगा, इसको साइंटिफिक मेथड का वोटिंग करो, जिसको बोलते हैं वोटिंग मेथड और पोल मेथड। तो सेकेंड, शो ऑफ हैंड में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, अगर पसंद नहीं आया कोई भी मेंबर पोल का डिमांड कर सकता है, समझ में आ गया। पोल मतलब एक अनदर वे ऑफ वोटिंग, जहां पर योर वोट्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय यू, सेकेंड मेथड लिखेंगे वोटिंग का। सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, वोटिंग बाय पोल। व्हाट इज वोटिंग बाय पोल? वोटिंग बाय पोल में आपको जो वोटिंग राइट मिलता है, ये जनरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से आपको दिया जाता है। जनरली आपका वोट होता है वन शेयर वन वोट, इसका मतलब आपके पास अगर एक शेयर है आपका एक वोट है, मेरे पास 5 शेयर है मेरा 5 वोट है, किसके पास 50 शेयर है उसका 50 वोट है। तो जनरली पोल का डिमांड कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? शो ऑफ हैंड में कोई डिसीजन लिया जा रहा है उससे आप अगर राजी नहीं है तो आप किसका डिमांड कर सकते हैं? पोल का डिमांड कर सकते हैं, या नहीं तो चेयरमैन ही कुछ सेंसिटिव डिसीजन में बोलेगा नहीं इसमें शो ऑफ हैंड नहीं होगा, इसमें पोल होगा। जो जनरली कॉमन ऑर्डिनरी डिसीजंस आर टेकन बाय शो ऑफ हैंड्स, सेंसिटिव डिसीजंस आर टेकन बाय पोल, हमें क्लियर। तो पोल के लिए कोई डिमांड करना जाएगा तो जाकर पोल होगा, नहीं तो शो ऑफ हैंड में हो सकता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हु कैन डिमांड ए पोल, पोल होगा इसके लिए कौन डिमांड कर सकता है। जनरली ए पोल में भी डिमांडेड बाय द फॉलोइंग 4 पर्सन, कौन कौन सा? पहला, चेयरमैन अगर चाहे बोलेगा ये डिसीजन में शो ऑफ हैंड नहीं होगा, ये एक इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ये डिसीजन पोल में लिया जाएगा, तो वहां पर पोल में लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। चेयरमैन कैन डिसाइड व्हिच वन इज टू बी टेकन बाय पोल। सेकेंड, अगर आपका पब्लिक कंपनी है, आप एक शेयर होल्डर हो और आपके पास 1/10 ऑफ वोटिंग राइट से, तो आप खड़े होकर बोलेंगे नहीं ये शो ऑफ हैंड से ये डिस्टर्ब नहीं होगा, इसके लिए क्या चाहिए? पोल चाहिए, तो पोल चाहिए तो पोल होगा, बात समझ में आ गया। तो 1/10 ऑफ वोटिंग राइट होना चाहिए किसी शेयर होल्डर के पास, या नहीं तो उसके पास शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए का होना चाहिए। 1/10 भी ना हो, मेरे पास 5 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और बोलूंगा ये शो ऑफ हैंड नहीं चलेगा, यहां पर पोल करेंगे तो पोल होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो मैं बताया कौन पोल डिमांड कर सकता है, आइदर चेयरमैन कर सकता है, पब्लिक कंपनी में कौन कर सकता है, अगर तुम्हारे पास अगर 1/10 ऑफ वोटिंग पावर है आप कर सकते हैं, या नहीं तो आपके पास 5 लाख रुपए का शेयर है आप पोल का डिमांड कर सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी नहीं है, कोई और कंपनी है, वहां पर वो शेयर होल्डर डिसाइड पोल डिमांड कर सकता है जिसके पास सिर्फ 1/10 ऑफ वोटिंग राइट है। अभी हम पढ़ेंगे ई वोटिंग। व्हाट इज ई वोटिंग? ये नया कॉन्सेप्ट आया है सेक्शन 2000 कंपनी एक्ट 2013 में। ई वोटिंग बोलता है सेक्शन 180 बोलता है, रूल 20 बोलता है ई वोटिंग कंपलसरी होगा किसके लिए? लिस्टेड कंपनीज के लिए। लिस्टेड कंपनी, अगर आपका लिस्टेड कंपनी है और आपका शेयर होल्डर 1,000 से ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कम, आप फैसिलिटेट करेंगे शेयर होल्डर्स को जैसे कि ई वोटिंग हो सके। ई वोटिंग मतलब वोटिंग थ्रू इंटरनेट, आपको आना नहीं पड़ेगा, फिर वहां पर ई वोट दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये एक्ट पास हो गया, कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, बोले भैया हम लोगों को इंटरनेट चलाना नहीं आता है, तो आप ई वोट क्या कर रहे हैं?
तो सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ, बहुत सारा लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट लिटरेसी नहीं है, अगर नहीं है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट बोला ये जो लिस्टेड कंपनी आप हैं, आप 1,000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, आप ई वोट का फैसिलिटी रखेंगे प्लस और एक टाइप का वोट का फैसिलिटी रखेंगे जिसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। व्हाट इज पोस्टल बैलेट? बैलेट बॉक्स, तुम्हारे बैलेट फॉर्म तुम्हारे घर में आएगा, तुम उसमें जो डिसीजन होगा उसमें यस नो टिक मारकर तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको बाइंड करके रजिस्टर्ड पोस्ट में किसमें भेज सकते हो, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में भेज सकते हो। इसको बोलते हैं ई बैलेट, इसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। तो ई वोटिंग होगा या नहीं तो पोस्टल बैलेट होगा। कहां पर? अगर आपका लिस्टेड कंपनीज हैं और 1,000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स आपके पास हैं, तो यू हैव टू फैसिलिटेट फॉर टू टाइप ऑफ वोटिंग्स, वन इज ई वोटिंग, अनदर इज पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। पोस्टल बैलेट अभी पढ़ाया था, पोस्टल बैलेट सेक्शन 1110 में बोल रहा है पोस्टल बैलेट हो सकता है। पोस्टल बैलेट में हम क्या करते हैं, पोस्ट बैलेट पेपर आपके घर में आता है और बैलेट पेपर कंपनी का बैलेट पेपर में डिसीजन का आता है, उसमें यस नो होता है, आपको टिक करना पड़ता है, टिक करने के बाद रजिस्टर ऑफिस में पोस्ट करना पड़ता है, रजिस्टर पोस्ट करना पड़ता है। ये चीज बहुत अच्छा है, इसीलिए ये पोस्टल बैलेट का सिस्टम कंपनी एक्ट 2013 क्या किया, ये पोस्टल बैलेट कंपल्सरी कर दिया है। किसके लिए? सारा पब्लिक कंपनी, सारा प्राइवेट कंपनी जिसमें क्या होगा, शेयर होल्डर्स होंगे कितना, 200। अगर आपका प्राइवेट कंपनी है 200 शेयर होल्डर्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट में वोटिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपका पब्लिक कंपनी है, आपका शेयर होल्डर 200 या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी में तो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, पब्लिक में हो सकते हैं, तो आपको पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने का प्रावधान करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन का मतलब कंपनी का अगर मीटिंग होगा, मीटिंग में जो डिसीजन पास होगा, तो उस डिसीजन को जनरली प्रपोजल के फॉर्म में डिसीजन होता है। ये प्रपोजल जब पास हो जाता है मीटिंग में और एक्सेप्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। सो रिजोल्यूशन मीन्स डिसीजन, ए प्रपोजल व्हेन पास्ड एंड एक्सेप्टेड बाय मेंबर्स इन ए मीटिंग, दैट इज नोन एज रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक को बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। तो पहले आप समझेंगे व्हाट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, देन समझेंगे व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन। व्हाट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन? नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स, मतलब आपके कंपनी में अगर 100 मेंबर्स हैं, तो एक डिसीजन को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में पास करने के लिए कितने लोग चाहिए, आधा से ज्यादा। 100 अगर लोग हैं, आधा से ज्यादा मतलब कितना हो जाएंगे, अगर 50 से ज्यादा लोग राजी हो गए, डिसीजन विल बी पास्ड बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर क्या होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में राजी 51 है, अराजी 49 है, तो अगर वोट्स इन फेवर एक्सीड्स वोट इन अगेंस्ट, देन इट इज ए कॉल्ड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। वोट इन फेवर कैसे होता है, एक्सीड कर जाएगा अगर वोट अगेंस्ट से, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन किसके लिए चाहिए, एनुअल अकाउंट्स को पास करने के लिए, कंपनी को डिविडेंड देने के लिए, डिविडेंड डिसीजन पास करने के लिए, कंपनी का इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स करने के लिए, ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए, शेयर को डिस्काउंट में इश्यू करने के लिए, आपको क्या चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन? स्पेशल रिजोल्यूशन एक रिजोल्यूशन है जहां पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए मिनिमम 3/4 लोग राजी होना चाहिए। व्हाट इज 3/4? अगर 100 आदमी मेंबर्स हैं आपका, 3/4 मतलब 75, 75 राजी होंगे, 75 राजी होंगे तो डिसीजन पास होगा स्पेशल रिजोल्यूशन में। अगर 75 राजी हैं, कितना राजी नहीं है, 25, इसका मतलब डिसीजन इन फेवर विल बी 3 times, 25 का 75 तीन गुना है, डिसीजन विल बी फेवर विल बी 3 times ऑफ द डिसीजन इन अगेंस्ट, इसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। जिस डिसीजन में स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, उसको पहले नोटिस के टाइम में लिखना पड़ेगा,
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, इस डिसीजन के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहाँ पर लगेगा? कंपनी जब मीटिंग का नोटिस देगा वहां पर स्पेशल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा। ये डिसीजन के लिए क्या चाहिए? स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम खत्म कर दिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग। फिर हम एक एक करके मीटिंग पढ़ेंगे, कंपनी का मीटिंग, जनरल मीटिंग पढ़ेंगे, फिर लास्ट में बोर्ड मीटिंग पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करेंगे जनरल मीटिंग। नाउ मैं पहले समझा दिया हूं जनरल मीटिंग क्या है। जनरल जनरल मीटिंग का मतलब क्या है? जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मीटिंग को हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम, और एक को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या ईजीएम। तो जनरल मीटिंग किसका है? मीटिंग है शेयर होल्डर्स का। तो जनरल मीटिंग दो तरह का हो सकता है, आइदर एजीएम हो सकता है या नहीं तो ईजीएम हो सकता है। एजीएम किसका, एजीएम क्या है, ईजीएम क्या है, हम नेक्स्ट में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ बस एजीएम। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एजीएम क्या है। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। इट्स ए रेगुलर मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हिच इज हेल्ड एनुअली। एक साल में एक बार शेयर होल्डर्स लोग एनुअली जनरल मीटिंग बैठते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, हमारा पैसा कंपनी में लगा हुआ है और इसको शेयर कौन चला रहे हैं, डायरेक्टर्स लोग चला रहे हैं, कंपनी किस तरह चल रहा है और डायरेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब के बारे में शेयर होल्डर्स लोग, मालिक लोग आकर एक बार साल में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं, इससे रेगुलर मीटिंग, इसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या किया जाता है? जनरली ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाता है। वर्ड क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस। तो व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस? ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है जो एजीएम में ट्रांजैक्ट होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। तो एजीएम में जनरली ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाता है, तो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, व्हाट इज ऑर्डिनरी बिजनेस? ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या है? एजीएम में ये ऑर्डिनरी बिजनेस पास होता है, मतलब ये डिसीजन लिया जाता है। फर्स्ट, पासिंग द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का एनुअल अकाउंट्स पास करना, डिविडेंड देना, डायरेक्टर्स को क्या करना, इलेक्ट करना, और जो डायरेक्टर रोटेशन से रिटायर कर गए उनको रीअपॉइंट करना, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, कंपनी का ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसका रेमुनरेशन फिक्स करना, ये सब ऑर्डिनरी बिजनेस है। जनरली साल में एक बार होता है, तो ये सब काम करने के लिए जनरली ऑर्डिनरी बिजनेस डील होता है एजीएम। इसके अलावा और कुछ बिजनेस भी डील हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जनरली एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस डील होता है। नेक्स्ट, एजीएम, नेक्स्ट। सो एजीएम करना एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी को एजीएम हर एक साल में एक बार तो एजीएम होगा, वो करना पड़ेगा। अच्छा, फास्ट एजीएम कब होगा? कंपनी का फास्ट एजीएम, कंपनी जब पैदा हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ, उसका पहला फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हुआ, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने का 9 महीने के बाद पहला एजीएम होना चाहिए। तो क्या होगा, पहला एजीएम, फर्स्ट एजीएम कंपनी का कब होगा? इनकॉर्पोरेशन हुआ, फिर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर एंड होने का 9 महीने के अंदर आपको फर्स्ट एजीएम करना पड़ेगा। फर्स्ट एजीएम हो गया, फिर नेक्स्ट सबसिक्वेंट एजीएम आएगा। सबसिक्वेंट एजीएम कब होगा? सबसिक्वेंट एजीएम होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, उसका 6 महीने के बाद। तो फर्स्ट एजीएम में 9 महीना थोड़ा ज्यादा टाइम दिया गया है, लेकिन सब्सिक्वेंट होगा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने का 6 महीने के अंदर आपको एजीएम बुलाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक एक्ट बोलता है, दो एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। दो एजीएम के बीच में गैप 15 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है, दो एजीएम के बीच में। लेकिन कभी कभी हम स्पेशल परमिशन आरओसी से लाकर
और 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं। और 3 महीना मतलब 15 महीना तो होगा, तो एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है, आरओसी से परमिशन लेकर और 3 महीना, मतलब 2 AGM के बीच में गैप, आरओसी का परमिशन के बावजूद 18 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस में 15 महीना और आरओसी से परमिशन लेकर एक्सटेंशन कितने महीने का ले सकता हूँ, 3 महीने, हमें क्लियर। सो दिस इज नोन एज एजीएम। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। एजीएम कब होगा? एजीएम हमेशा एक वर्किंग डे में होगा, वर्किंग डे, जहां पर मतलब छुट्टी वाला दिन। अगस्त 15 में एजीएम नहीं हो सकता है, जनवरी 26 में एजीएम नहीं हो सकता है। एजीएम कब होगा? बिजनेस आवर्स में होगा। बिजनेस आवर्स मतलब क्या होगा? बिजनेस आवर्स मतलब 9 to 6, मतलब एजीएम शुरू होगा 9 से 6 के बीच। कब खत्म होगा कोई नहीं बोल सकता है, मीटिंग खत्म होने तो जब खत्म होगा होगा, शुरू होगा 9 से 6 के बीच में, ठीक है। एजीएम कहां पर होगा? एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का जहां पर होगा वहां पर होगा, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा है तो क्या होगा, 100 आदमी के लिए जगह है, ये एजीएम में मेंबर्स आएंगे 5,000। तो जिस सिटी में ये क्या है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसी सिटी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एजीएम कराना पड़ेगा। आप अगर एजीएम ठीक टाइम पर नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो कंपनी को फाइन देना पड़ेगा। कंपनी और जो ऑफिसर्स हैं ये डिफॉल्ट में इन्वॉल्व है, उन सबको 1 लाख का फाइन होगा। प्लस आप अगर कंटिन्यूअस डिफॉल्ट करते जाएंगे तो 5,000 का हर दिन का एक्स्ट्रा फाइन, पेनल प्रोविजन, आपको एजीएम ना करने का भरना पड़ेगा, आरओसी के पास पेनल्टी लगेगा, तो एजीएम ओवर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का मीटिंग, दैट इज नोन एज ईजीएम। अच्छा, एजीएम कब होता है? एजीएम साल में एक बार होता है, लेकिन एजीएम में कौन होता है? शेयर होल्डर्स लोग आकर बैठते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करते हैं, लेकिन 2 AGM के बीच में कुछ इमरजेंसी आ गया। इमरजेंसी, हेलो हेलो हेलो, माई वॉइस इज ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके, सो माई स्लाइड्स प्लीज। अभी हम बात करेंगे ईजीएम। ईजीएम क्या है? 2 AGM, मैं बता रहा था एजीएम साल में एक बार होता है, तो एजीएम में शेयर होल्डर्स लोग आकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक बार साल में तो एजीएम होगा, लेकिन एक बार एजीएम हो गया और एक साल के बाद तो नेक्स्ट एजीएम होने वाला है, तो उतने दिन के बीच में अगर कोई इमरजेंसी आ गया, अगर कोई इमरजेंसी चीज आ गया, उस टाइम में शेयर होल्डर्स का इमरजेंसी मीटिंग बुला जा सकता है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम्स आर नोन एज ईजीएम्स। इसका मतलब ईजीएम्स हमेशा क्या होता है, स्पेशल बिजनेस करने के लिए ईजीएम बुलाया जाता है। ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एजीएम है, अगर कुछ स्पेशल इमरजेंसी आ गया उसके लिए हम क्या बुलाते हैं, ईजीएम बुलाते हैं। जब भी हम स्पेशल बिजनेस डील करेंगे ईजीएम में, हमको ईजीएम क्यों बुलाना पड़ा उसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, नोटिस जब देंगे ईजीएम का तब देना पड़ेगा। बिना नोटिस का, बिना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का ईजीएम बुला नहीं सकते हैं। ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा जाता है क्या, ये ईजीएम क्यों बुलाना पड़ा, इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा बिजनेस, कौन सा इमरजेंसी आ गया, इसीलिए हमको ईजीएम बुलाना पड़ा। ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी हम बोलेंगे ईजीएम कौन, कंपनी में ईजीएम 4 पार्टी बुला सकते हैं। पहला पार्टी कौन बुला सकता है कंपनी में ईजीएम? बोर्ड बुला सकता है ईजीएम। सेकेंड, बोर्ड को कोई आकर बोलेगा तुम ईजीएम बुलाओ, तो आकर वो बुला सकता है ईजीएम, दैट इज द बोर्ड ऑन रिक्विजिशन मे अप्लाई, मे कॉल ईजीएम। नेक्स्ट, रिक्विजनिस्ट बुला सकते हैं ईजीएम को। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल भी ईजीएम बुला सकता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कब बोर्ड ईजीएम बुलाएगा, कब बोर्ड ऑन रिक्विजिशन बुलाएगा, कब रिक्विजिशन जिनस्ट खुद बुलाएंगे। तो फर्स्ट, ईजीएम कब बोर्ड बुलाएगा,
बोर्ड कब बुलाएगा? अगर बोर्ड के सामने कुछ इंपोर्टेंट इमरजेंसी काम आ गया, कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, कुछ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन वाला डिसीजन लेना है जिसका अप्रूवल शेयर होल्डर्स को चाहिए, और ईजीएम ऑलरेडी एजीएम ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो उस इमरजेंसी के सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स का ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इमरजेंसी बिजनेस को डील करने के लिए, इमरजेंट बिजनेस को डील करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईजीएम बुला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ बोर्ड अगर ठीक काम नहीं कर रहा, कुछ शेयर होल्डर बोर्ड को बोलेंगे तुम ईजीएम बुलाओ, तुम ईजीएम बुलाओ, हम तुमको अभी निकालेंगे। समझ में आ गया? इस तरह का मतलब, इसमें ठीक काम नहीं हो रहा है, तुम ईजीएम बुलाओ, हम बात करेंगे इसके ऊपर। कुछ रिक्विजिशन देने वाले, कौन रिक्विजिशन देते हैं? शेयर होल्डर्स। वो जाकर बोर्ड को बोलेंगे तुम ईजीएम बुलाओ, तुरंत ईजीएम बुलाओ। हर कोई जाकर बोर्ड को बोलेगा तो बोर्ड क्या ईजीएम बुलाएगा? नहीं, एक्ट में बोला गया है जो मेंबर जिसके पास 1/10 वोटिंग राइट है, कितना, अगर कुछ मेंबर्स मिलकर गए उनके पास कितना होना चाहिए, 1/10 ऑफ वोटिंग राइट और 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, ये दोनों में से कुछ है, 1/10 शेयर कैपिटल है या 1/10 वोटिंग राइट है, वो लोग जाकर एप्लीकेशन लेंगे, लिखेंगे, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलेंगे तुम इस डेट में तुम जाकर ईजीएम जल्दी से जल्दी बुलाओ। अगर इस तरह का एप्लीकेशन आता है, ये एप्लीकेशन पढ़ेगा बोर्ड, बोर्ड ये एप्लीकेशन के बेसिस पर ईजीएम बुला सकता है, तो जब ईजीएम बुलाएगा ये एप्लीकेशन का कॉपी भी अटैच होगा नोटिस में। समझ में आ गया? तो ईजीएम बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, आप एप्लीकेशन दिए, 1/10 ऑफ वोटिंग राइट्स आपके पास है और या 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल है, आप वोटिंग किसके पास एप्लीकेशन दिए? बोर्ड के पास। लेकिन बोर्ड ईजीएम बुलाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। भैया मैं एप्लीकेशन दिया हूं, मैं इंतजार करता हूं, तुम बुलाओगे सुधर जाओगे। कितना दिन इंतजार करेंगे? 45 डेज इंतजार करेंगे। एक बार 45 डेज हो गया और बोर्ड ईजीएम का नोटिस नहीं दे रहा है, तो ये जो रिक्विजिट एप्लीकेंट है ये लोग खुद मिलकर खुद ईजीएम बुला सकते हैं। ये लोग बोलेंगे बोर्ड तुम भाड़ में जाओ, अभी हम लोग खुद बनाएंगे ईजीएम। समझ में आ गया? तो वो लोग 45 डेज का इंतजार करेंगे। 45 डेज जब खत्म हो गया तो क्या करेंगे, वो 45 डेज जब खत्म हो गया वो लोग खुद अपने आप क्या करेंगे, ईजीएम बुला सकते हैं। ओके, और ईजीएम को उसको कितने दिन के अंदर करना होगा? उन लोगों को 3 महीने के अंदर। 3 महीने किसका? एप्लीकेशन देने का। 3 महीने के अंदर आपको ईजीएम जो एप्लीकेंट से वो खुद अपने आप बुला सकते हैं। एक्ट बोलता है जब शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन देने के बाद उनका एप्लीकेशन सुना नहीं गया, वो खुद बुलाए, वो जो ईजीएम बुलाएंगे उसको आज फार आज पॉसिबल बोर्ड जैसे ईजीएम बुलाता है उसी तरह से प्रोसीजर में बनाना कंपलसरी है। कुछ आज फार आज पॉसिबल कुछ इधर उधर हो सकता है। अच्छा, उसी तरह से नोटिस दिया जाएगा ईजीएम का। कौन नोटिस देंगे? ये एप्लीकेंट नोटिस देंगे फिर। और ईजीएम जो होगा वो कहां पर होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में शेयर होल्डर्स जा रहे हैं, उनको बोर्ड उसके अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं, तो ये एक्ट बोलता है ये जीएम तुम कहीं और भी कर सकते हो। समझ में आया? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? आप ईजीएम बनाकर वहां पर पहले बोर्ड को निकालोगे, भैया हम लोगों के पास इतना वोटिंग राइट्स था फिर भी तुम ईजीएम बुलाने की कोशिश कर रहे थे, तुम लोग हमारा एप्लीकेशन सुनने नहीं। समझ में आ रहा है? इस तरह का भी हो सकता है। समझ में आ गया? ईजीएम बाय रिक्विजिशन डिसीजन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ईजीएम बाई एनसीएलटी। कभी कभी एनसीएलटी भी कंपनी को ऑर्डर देता है ईजीएम बुलाने का। कब एनसीएलटी ऑर्डर देगा ईजीएम बुलाने का? व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कॉल ए मीटिंग। जब मीटिंग ईजीएम बुलाना इम्प्रैक्टिकल हो, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड और कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द कंपनी, उस टाइम में पिटिशन वहां पर लगाया जाएगा। किसके पास? एनसीएलटी के पास। पिटिशन कौन लगा सकता है? नेक्स्ट स्लाइड में पता करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, क्या कर सकता है? एनसीएलटी अपने आप भी कंपनी को इंस्ट्रक्शन देगा तुम ईजीएम बनाओ।
क्योंकि कंपनी के नाम पर बहुत सारा खराब खराब चीज पेपर में फ्लैश हो रहा है। तो एनसीएलटी देख रहा है ये कंपनी में क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर्स लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, ये सारा चीज पेपर में आ रहा है। लेकिन ये डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं तो शेयर होल्डर्स का ईजीएम बुलाओ, एक बोल सकता है एनसीएलटी बोल सकता है, या नहीं तो कंपनी का कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेगा मैं बार बार बोल रहा हूँ ईजीएम बुलाओ, मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है, वो डायरेक्टर चला जाएगा डायरेक्ट एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी को बोलेगा तुम ऑर्डर दो कंपनी को ईजीएम बुलाओ और वहां पर सब बात होगा, समझ में आ गया। या नहीं तो कंपनी का कोई मेंबर जिसके पास 1/10 वोटिंग राइट नहीं है लेकिन सफिशियंट प्रूफ है ये कंपनी में अफेयर्स ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वो एनसीएलटी के पास जाएगा और एनसीएलटी अगर सेटिस्फाई होगा एनसीएलटी नोटिस देगा ईजीएम बुलाओ, समझ में आ रहा है क्या। तो ईजीएम बाई एनसीएलटी ये हो गया, तो दीज आर द पार्टीज हु कैन डू ईजीएम। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। तो विद दिस वी कंप्लीट आवर जनरल मीटिंग। अभी लास्ट हम पढ़ेंगे बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग क्या होता है, जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, दैट इज नोन एज जनरल मीटिंग। व्हाट इज बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों मीटिंग करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं टू डिस्कस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, टू एक्सरसाइज देयर पावर्स, बोर्ड मीटिंग किया जाता है। बोर्ड मीटिंग का जितना पावर है वो सब, जितना रूल रेगुलेशन है वो सेक्शन 173 में लिखा गया है। तो अभी पढ़ेंगे बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला चीज, बोर्ड मीटिंग कितना होना चाहिए। कंपनी बोलता है कंपनी का फास्ट बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन का 30 दिन के अंदर होना चाहिए। पहला बोर्ड मीटिंग कंपनी का कब होना चाहिए, कंपनी आज इनकॉर्पोरेशन हो गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर उसका पहला बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए। फिर सब्सिक्वेंट जो बोर्ड मीटिंग होगा वो कैसा, उसका क्या रूल्स रेगुलेशन से, उसका रूल रेगुलेशन कंपनी एक्ट बोलता है 173(1) बोलता है एक साल में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होगा। कितना बोर्ड मीटिंग होगा, 4, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग, और हर बोर्ड मीटिंग, दो बोर्ड मीटिंग के अंदर अंतर 120 दिन से ज्यादा नहीं होगा। तो एक साल में 4 और दो कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के अंदर गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं। इस हिसाब से आप बोर्ड मीटिंग, कंपनी एक साल में कितना बोर्ड मीटिंग कर सकता है, 4 बोर्ड मीटिंग मिनिमम करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो बोर्ड मीटिंग होगा तो उसमें कौन अटेंड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अटेंड करेंगे। ये कंपनी एक्ट बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें इन पर्सन अटेंड कर सकते हैं, इन पर्सन मतलब वो आकर मीटिंग में बैठेंगे, या नहीं तो दे कैन अटेंड द मीटिंग विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल मींस, जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं उसी तरह से बोर्ड मीटिंग भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल्स मींस। ये पहले नहीं था, 2013 में आया है, बोर्ड मीटिंग कैन बी डन इन ऑडियो विजुअल मींस प्रोवाइडेड रिकॉर्डिंग फैसिलिटी इज अवेलेबल। रिकॉर्डिंग मतलब कौन क्या बोल रहा है उसका रिकॉर्डिंग हो सके, ऑडियो वीडियो विजुअल में अगर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो बोर्ड मीटिंग ऑडियो विजुअल वे में भी हो सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कुछ ऐसा डिसीजन है कंपनी का जो डिसीजन बोर्ड में लिया जाएगा सिर्फ वो लोग आकर बैठेंगे, ऑडियो विजुअल्स में वो इंपोर्टेंट सेंसिटिव मैटर्स डिस्कस होकर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन स्टेप्स दिया है, ये केस में ऑडियो विजुअल नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से केस में ऑडियो विजुअली बोर्ड्स कैन नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट, अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी मीटिंग, अप्रूवल ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, देन एक्विजिशन, टेक ओवर, मतलब ये सब जितना बड़ा बड़ा स्ट्रैटेजिक चीज है, मतलब इसके लिए ये ऑडियो विजुअल में नहीं होगा। लेकिन छोटा मोटा फंक्शनल चीज के लिए जब बोर्ड मीटिंग होता है तो वो ऑडियो विजुअली आप क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। नोटिस, बोर्ड मीटिंग में नोटिस दिया जाएगा, जैसे जनरल मीटिंग में मैं बताया था 21 डेज क्लियर नोटिस, लेकिन बोर्ड मीटिंग में इतना ज्यादा नहीं है, बोर्ड मीटिंग में मिनिमम कितना, 7 डेज का नोटिस चाहिए।
तो नोटिस 7 डेज का दिया जाएगा, नोटिस हमेशा राइटिंग में होगा, नोटिस हैंड डिलीवरी होगा, या पोस्ट में दिया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में ईमेल में भी भेज दिया जा सकता है। 7 दिन से कम का नोटिस में भी बोर्ड मीटिंग हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो जो मीटिंग होगा वो मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा। अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट है तो 7 दिन से कम वाला बोर्ड मीटिंग भी वैलिड होगा। अच्छा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नहीं है, फिर भी 7 दिन से कम वाला नोटिस में वो बोर्ड मीटिंग वैलिड होगा, प्रोवाइडेड वो बोर्ड मीटिंग का जो रिजोल्यूशन है वो सर्कुलेट होगा, सब लोग साइन करेंगे, और जो लोग साइन किए हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेटिफाई कर देगा, हाँ मैं इसमें राजी हूं, तो जाकर बोर्ड मीटिंग भी वैलिड हो सकता है। तो बोर्ड मीटिंग में बहुत सारा चीज, मतलब रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच मस्ट बी प्रेजेंट टू मेक ए मीटिंग वैलिड। अच्छा, कोरम कितना बोलता है? जनरली 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और टू व्हिच एवर इज हायर इज नोन एज कोरम। 1/3 मतलब सपोज आपके कंपनी में 12 डायरेक्टर्स हैं, तो 12 का 1/3 हो गया 4, 4 और 2 व्हिच एवर इज हायर, व्हिच 4 और 2 में हायर कौन है? 4 हायर है, तो 4 हो गया आपका कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। और सपोज आपके कंपनी में 3 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स हैं, तो कितना हो जाएगा बोर्ड का कोरम? 3 का 1/3 करेंगे, 3 × 1/3 हो गया कितना? 1। तो 1 और 2 व्हिच एवर इज हायर, एक दो में से जो हायर है, कौन सा हायर है? 2 हायर है, तो वहां पर कोरम होगा 2। तो मिनिमम 2 चाहिए, 1/3 और 2 व्हिच एवर इज हायर, दैट इज द कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। ये बोलता है जब कोरम कैलकुलेट होगा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल वे में भी कनेक्टेड है उनको आप कोरम में गिनेंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब मैं जैसे अभी बोर्ड मीटिंग कर रहा हूं, अगर मैं कनेक्टेड हूं, मेरे को गिना जाएगा कोरम में, हाँ मैं प्रेजेंट हूं, तो दिस इज द कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स का मतलब क्या है? कोई भी मीटिंग का समरी एक जगह पर लिखा जाता है, मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग शुरुआत से मीटिंग एंड तक, इट्स ए ब्रीफ समरी ऑफ द मीटिंग, दैट इज नोन एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। द मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग शैल कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। तो यहां पर क्या लिखा जाता है मिनट्स में? कौन कौन डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, क्या क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है, कौन कौन डायरेक्टर इसमें राजी हैं, कौन कौन अराजी है, क्या उनका डिसेंट है, ये सब कुछ डिटेल समरी फॉर्म में एक मीटिंग का, मिनट मीटिंग का लिखा जाता है। बोर्ड मीटिंग का भी मिनट्स बनता है, तो मिनट्स बोर्ड मीटिंग का बनेगा और उसमें पूरा का पूरा लिखा जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं बताया था मिनट्स कहां पर लिखा जाता है, मिनट्स एक मिनट बुक होता है, कंपनी का रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है मिनट बुक, वहां पर सारा मीटिंग का डिब्रीफ समरी लिखा जाता है। तो ये मिनट बुक में एक कंपनी का मीटिंग, बोर्ड मीटिंग हो गया, उसका समरी लिखा जाएगा, कितने दिन में लिखा जाएगा? 30 दिन के अंदर लिखा जाएगा। समझ में आ गया? एक बार लिख गया गया, फिर उसमें क्या लिखा जाएगा वो मिनट बुक में, उस मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट थे, कौन कौन इंपोर्टेंट डिसीजन लिया गया, कौन कौन सा मैटर पर डिस्कशन हुआ, क्या सोल्यूशन हुआ, फिर इसका पूरा का पूरा लिखने के बाद लास्ट में इसको असेंट देना पड़ेगा। कौन इसमें साइन करेगा? चेयरमैन साइन करेगा। मैं बताया था चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इज ए पर्सन हु प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। समझ में आ गया? बोर्ड मीटिंग को जो प्रिजाइड किया है वो हो गया चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग, और चेयरमैन उसमें क्या करेगा? साइन करेगा, हाँ ये सब चेंज हुआ है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं मिनट्स। मिनट्स कहां पर लिखा जाता है? मिनट्स बुक में। उसमें मिनट्स बुक में भी लिखा जाएगा हम लोग क्या डिसाइड किए हैं, नेक्स्ट मीटिंग कब होगा, वो भी लिखा जाता है मिनट्स बुक। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये मिनट बोर्ड मीटिंग में क्या क्या रिजोल्यूशन जनरली किया किया जाता है? रिजोल्यूशन मतलब जनरली डिसीजन लिया जाता है। सेक्शन 292 बोलता है बोर्ड मीटिंग में ये सब डिसीजन लिया जाता है। मेक कॉल ऑन शेयर्स, ऑथराइज कंपनीज बाय बैक ऑफ शेयर्स,
नेक्स्ट इश्यू डिबेंचर, नेक्स्ट बोरो मनी अदर देन डिबेंचर्स, इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी, मेक लोन, ये सब रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ पावर दिया गया है, जो पावर वो कंपनी का बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन करके पास कर सकते हैं। रिजोल्यूशन आइदर ऑर्डिनरी होगा या स्पेशल होगा, उसमें रिजोल्यूशन करके पास कर सकते हैं। वो सब पावर वो कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग करेंगे और मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करेंगे, तो ये सब पावर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं पढ़ाया था, फिर एक बार पढ़ लेता हूं। पहला, कॉल कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को, बायबैक को ऑथराइज कर सकते हैं, सिक्योरिटी इश्यू कर सकते हैं डिबेंचर्स के लिए, फंड बाहर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन ग्रांट लोन भी दे सकते हैं, गारंटी भी दे सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल कर सकते हैं, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अदर मैटर्स, ये सब काम करने के लिए उनको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन कुछ काम है वहां वो सिर्फ वो बोर्ड मीटिंग में वो डिसीजन लेकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कौन कौन सा पावर, कौन कौन सा चीज वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होकर बिना रिजोल्यूशन का भी कर सकते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, ये मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपॉइंट और रिमूव केएमपी, केएमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सन का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और रिमूवल भी कर सकते हैं, अपॉइंट इंटरनल और सेक्रेटरियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर या कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर बोर्ड मीटिंग, आई हैव डिस्कस्ड एनुअल जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, विद दिस आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। Hope all of you have enjoyed the lecture and learned a lot, including me. I go back to my classroom today, actually. I was feeling as if I'm also sitting in a classroom and sir is delivering his lecture. And today, though I have nothing more to add, but certain points I will clarify that in annual general body, in annual general meeting or annual general body meeting, if the registered office has been specified, then in the MOA, it has to be specified in the situation clause, then in the anywhere in the municipality area, you can hold the meeting. For example, if the company's registered office is in Bhubaneswar, in BMC area, anywhere you can hold the meeting, but now you cannot go beyond that. Next is your listed company, sir, has uttered the word many times during the course of his lecture, listed company. Very simple. Any company whose shares have been listed in the stock exchange and freely traded in the market, that is known as listed company. Next, your chairman, who will chair the meeting. Generally, your chairman of the company chairs the shareholders meeting also. If he is not there, the secretary to the board or company secretary can also chair the meeting. But who is a company secretary? All the companies need not appoint a company secretary, but it is mandatory under Companies Act 2013 that any company in which the paid up share capital is 5 crores and more, then it is mandatory to appoint a company secretary. Next comes your quorum. Sir has rightly told, if nothing is mentioned in the articles of association, 5-15-30 norm will be applied to. But if it is mentioned in the articles of association, generally it is mentioned and more than 5-15-30. So that has to be followed. Next is your dissolution. Sir has nicely presented how the process of dissolution, I mean, how the company comes to an end. Very simple example. The legal entity of the company lingers till the final nail is bolt on the coffin, that is died. When you put a spoonful of sugar in a glass of water and stir the water till some crystal or some sugars are visible, till finally you cannot see the sugar, that is dissolved. What we say, the sugar is dissolved in the water. The identity of the sugar is lost.
just like that company also. So long as the process of your dissolution is going on, company's legal entity exists. Once it is over, then the identity is lost. Well explained, sir, and I hope the learners have taken benefit out of it. Kirot, I found one question probably. Yes, sir. No. You have asked for the feedback. It is okay. So, if any learner likes to say any few words, most welcome. Please speak up. Because this corporate law is interesting as well as more beneficial because it has its direct relevance to your corporate accounting also. Unless and until you are well versed with the company law, it will be difficult on your part to solve the problems also. So very important, very interesting also. I once again thank you all the learners for their patient hearing. And I also thank sir for a lively and nice lecture, sir. Thank you very much. And Kirod also. So Kirod, yes, sir. You must do the thankless job of extending thanks to all. Please go ahead with that. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir, for a wonderful lecture. And I feel the most attractive thing about Viswaranjan sir's lecture is it is more like a storytelling. True. Correct. That's why we enjoyed each and every minute of his lecture. So on behalf of Odisha State Open University, I would like to thank Dr. Viswaranjan sir for guiding us. We have learned a lot of things regarding winding up of company and what is the difference between winding up and dissolution of a company. What is the role of a liquidator during the process of winding up? Various types of meetings of a company. What is a general meeting? What is a special meeting? And what is AGM, EGM? And what is a board meeting? So voting of shareholders, types of resolutions, and many more things. And lastly, I would like to thank all the learners to have to listening the session patiently. And I would like to also thank Sumita madam for her technical support. And I would like to also thank Prithviraj sir, and his presence means a lot. And finally, thanks to all the learners. And and it is an official announcement for closing of the session, and all the learners may disengage himself and get themselves disconnected from the session. Okay, thank you, thank you sir. Thank you. Thank you so much, sir.